जागरूक भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। किशोरी को थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाई और किया दुष्कर्म, दारोगा पर मामला दर्ज। प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाने में तैनात एक दारोगा के खिलाफ एक किशोरी उम्र 16 वर्ष को पहले थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाने और फिर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दारोगा के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऊपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि न्यायालय के आदेश पर महेशगंज में तैनात पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि महेशगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने न्यायालय को शिकायत पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दारोगा महेंद्र सिंह ने पिछली 30 जून को उसकी बेटी को पूछताछ के बहाने थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप के मुताबिक दारोगा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मिश्रा ने बताया कि लड़की के घर से चले जाने से जुड़े हाल ही के एक मामले में पूछताछ के लिए दारोगा ने उसे थाने में बुलाया था। ऊपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कानून पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस उप निरीक्षक विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, प्रतापगढ़।